और जहां एक तरफ सरकार सफाई को लेकर जागरूकता फैला रही है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका परिषद के कदम से ऐसा लगता है जैसे वो शहर में बीमारी फैलाने की तैयारी में है। जहां से शहर में पानी सप्लाई किया जाता है और वहीं नगरपालिका गंदगी और कचरा डंप कर रही है। पाइपलाइन के पास पसरी गंदगी पानी को दूषित कर रही है जिससे शहर में महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगरपालिका कई सालों में शहर के कचरे को डंप करने की जगह नहीं तलाश सकी है। और निश्चित तौर पे कचरा जो है इससे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पीने वाले पानी पे, जिससे पीलिया, टाइफाइड ये सब बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं अपने स्तर पे जितना हो सकता है पार्षदों को बोला, आम जनता को भी समझाया, लेकिन यहाँ पर तो कोई कुछ भी लेने वाला है नहीं। हम इस वक्त खड़े हैं कांकेर नगर पालिका के फायर ब्रिगेड ऑफिस में, जहाँ पर नगर पालिका के द्वारा पिछले कुछ दिनों से यहाँ फायर ब्रिगेड ऑफिस में कचरा डलवाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे यहाँ नगर पालिका फायर ब्रिगेड ऑफिस में पूरी तरह से कचरों की ढेर लगी हुई है, जिसे लेकर शहरवासियों ने कई बार विरोध भी किया है, जिसका मुख्य कारण है कि शहर में पानी सप्लाई होती है उसकी मुख्य टंकी यहीं पर बना है, जिससे लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। कांकेर से सुशील सलाम, स्वराज एक्सप्रेस।